इट्स पुणे सिटी में अगर आपको बैक ऑफिस का जॉब करना हो, एग्जैक्टली पुणे सिटी में अगर बैक ऑफिस का जॉब फाइंड आउट करना हो, सो ऐसे कौन से मेथड से, कौन से पॉइंट से जो आपको फॉलो करने, ये इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूँगा। सो होप ये पॉइंट से जो रटी हुई चीज़ें नहीं है, क्योंकि बहुत सारे लोग जो वीडियो बनाते हैं तो रटी हुई चीज़ें करते हैं। यहाँ पर मैं आपके साथ खुद का एक छोटा सा एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ गाइस, कि जब मैंने पुणे में एंट्री की थी तो मैं बैक ऑफिस का जॉब ढूंढ रहा था 2015 में, अभी 4 साल हो गए उसके बाद। यहाँ पर मैंने कंसल्टेंसी ज्वाइन कर ली थी और उस कंसल्टेंसी से मुझे 2-3 कॉल मिले, लेकिन वो कॉल 15-15 दिन के बीच में मिले, तो बीच वाले टाइम में फट आई टू। सो मेरे पास ऐसे आइडियाज़ मिले, ऐसे पॉइंट्स मिले जो इंपॉर्टेंट हो गए जॉब ऑफिस के बैक, यानी बैक ऑफिस के जॉब के लिए। ये पॉइंट्स यहाँ पर मैं शेयर करूँगा। सबसे पहले आपको गूगल पे जाना है, गूगल पे जाने के बाद आपको फाइंड आउट करना है बैक ऑफिस जॉब्स इन पुणे गूगल के सर्च बॉक्स में। अभी यहाँ पर आप सर्च करेंगे सो आपके पास गूगल का पेज ओपन होगा। सो पहला पेज कंट्रोल ए से सेलेक्ट करेंगे, पूरा पेज कंट्रोल ए से सेलेक्ट करेंगे, सारा पेज कॉपी करेंगे और गूगल का दूसरा टैब ओपन करके वहाँ पे मेल एक्सट्रैक्टर बोल के डालेंगे, मेल एक्सट्रैक्टर। सो मेल एक्सट्रैक्टर में कॉपी किया हुआ पेस्ट करेंगे, कॉपी किया हुआ कंटेंट पेस्ट करना है और एक्सट्रैक्ट करना है। तो उससे जितने भी मेल्स शॉर्टलिस्ट होते हैं वो सारे मेल्स पुणे बैक ऑफिस के मेल्स होते हैं। वैसे मैंने 200 मेल्स शॉर्टलिस्ट किए थे, यानी गूगल से मेल कलेक्ट किए, मेल एक्सट्रैक्टर में डाले, मेल को एक्सट्रैक्ट किया, सारे मेल्स मिल गए मुझे, बाकी का कचरा बाहर, और ये मेल्स मैंने बीसीसी में डाल के एक अच्छा सा मेल लिखा, वहाँ पर मैंने अटैचमेंट की मेरे जो भी फाइल्स है रिज्यूम के, और वो ब्लाइंडली सेंड कर दी 200 लोगों को। सो सडनली विद इन 2 आवर्स मुझे कॉल मिला बैक से कि TBSS टाटा बिजनेस में बैक ऑफिस के लिए कॉल मिला और मैंने वहाँ पे ज्वाइन कर लिया। हालांकि वो मेरा पहला जॉब था, सो कुछ दिन ही किया मैंने ये जॉब और उसके बाद मैं आईटी में शिफ्ट हो गया। यहाँ पर कुछ क्वेरीज होती है लोगों को कि जॉब नहीं मिल रहा है पुणे सिटी में, या फिर पुणे सिटी में बहुत ढूंढा है। गाइस ढूंढने के कुछ वेज होते हैं, तरीके होते हैं, ये पहला तरीका। अभी दूसरा तरीका, naukri.com पे 5 अकाउंट क्रिएट करने के लिए, मैंने पहले भी एक वीडियो बना के डाला था कि किस तरह से क्रिएट करेंगे और कैसे अप्लाई करेंगे। डिफरेंट मेल आईडी से 5 अकाउंट क्रिएट करने हैं, 5 प्रोफाइल क्रिएट करनी है विद द सेम, यानी बैक ऑफिस के लिए, लेकिन स्किल्स अलग अलग रखनी है। अभी 5 प्रोफाइल को लगातार अपडेट करते रहना है और वेट करना है आपको कॉल आने का। तो 5 में से दिन में 2 तो कॉल आपको आराम से आएंगे जिसका आप इंटरव्यू दे सकते हो। ये दूसरा मेथड। तीसरा मेथड यहाँ पे कि आप मल्टीपल कंसल्टेंसीज को कनेक्ट हो सकते हो, कि बहुत सारी कंसल्टेंसीज जो आफ्टर प्लेसमेंट पेमेंट मांगती है। इसका फ़ायदा तो आप बेशक ले सकते हो कि आपको एग्जैक्ट पता तो चलेगा कि आपको वहाँ पे ओपनिंग्स है, क्योंकि आफ्टर प्लेसमेंट पेमेंट पे करना है ना, इसमें लॉस नहीं होता है गाइस। ऐसे कंसल्टेंसी ज्वाइन करके आप पेमेंट पा सकते हो। होप ये स्टैंडर्ड वेज है, क्योंकि लॉजिकली अगर यही भी अप्लाई करेंगे गाइस तो आपको जॉब मिलेगा, अदरवाइज आपको वेट करना पड़ेगा, क्योंकि बहुत कम जॉब्स है जो आपके दोस्त आपको बताएंगे या फिर आपको कोई आके बताएगा, क्योंकि आपको खुद होके फाइंड आउट करना है। ये जो इंटरनेट का वर्ल्ड है गाइस, यहाँ पे यूट्यूब भी देख रहे हैं आप, सो इंटरनेट है, यहाँ पर नॉलेज है, नॉलेज शेयरिंग है, तो इसका आपको बेनिफिट्स लेना होगा कि, और इसको यूज़ करने का स्मार्ट वे आपको पता होना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सारी चीज़ें अगर आपको पता है यहाँ पर आपको सोचने के लिए कुछ दिक्कत नहीं होगी गाइस, जॉब सर्च करने के लिए कोई दिक्कत नहीं होगी। होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। कुछ क्वेरी कमेंट डाउट्स रिगार्डिंग सेम तो बेशक आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।